प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ 22 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस विभाग से संबंधित कुल 34 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 34 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यूपी पुलिस विभाग से संबंधित जो प्रश्नों की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों का रंग क्या है? लाल और नीला, वी है नीला और सफ़ेद, सी है लाल और सफ़ेद, डी है पीला और लाल। उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों का रंग क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, यूपी पुलिस लोगों का जो रंग है वो है लाल और सफ़ेद। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर, हाथी, घोड़ा या मछली? यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह है मेरे प्यारे साथियों मछली। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? आईजी, डीआईजी, डीजीपी, एसपी? उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे ऊंचा पद होता है डीजीपी का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? एसआई, एसपी, कांस्टेबल? उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे छोटी जो पोस्ट होती है कांस्टेबल की पोस्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूपी पुलिस के जनक कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड अलोजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपन? यूपी पुलिस के जनक कौन है ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, यूपी पुलिस के जनक थे लॉर्ड कार्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या था? सुरक्षा हम आपकी, संकल्प हमारा, हम तुम्हारे साथ हैं, जीवन अमूल्य है, डरो मत हम हैं। यूपी पुलिस का नारा क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, यूपी पुलिस का नारा है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर, लखनऊ? यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है मेरे प्यारे साथियों लखनऊ में स्थित है इसका मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आठवां, यूपी पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? 11, 16, 18 या 20? यूपी पुलिस विभाग में कुल 16 पद होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 16। नवा क्वेश्चन देखिएगा, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1805, 1921, 1863 या 1903? तो मेरे प्यारे साथियों, यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी वर्ष 1863 में। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन, सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है? वीएसएफ, जीआरपी, सीआरपीएफ, एआर? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पुरानी जो पुलिस है वो है आसाम राइफल्स। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूपी पुलिस में कितने पुलिस जिले हैं? 72, 75, 76, 78? यूपी में पुलिस के कितने ज़िले हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, यूपी में कुल पुलिस ज़िलों की जो संख्या है वो है 75। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। 12वां क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, कोलकाता, चेन्नई, राजस्थान। भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, यूपी पुलिस कांस्टेबल को कितने स्टार मिलते हैं? 1, 2, 3 या एक भी नहीं। यूपी पुलिस कांस्टेबल को कुल 0 स्टार मिलते हैं, यानी कोई भी स्टार इनका नहीं होता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूपी का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? नारकी थाना फिरोजाबाद, वी है बजरिया थाना कानपुर, सी है जिमजिम थाना इटावा, डी है सरायमीरा थाना कन्नौज। यूपी का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, यूपी का सबसे बड़ा जो थाना है वो है नारकी थाना फिरोजाबाद, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 15वां क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल, लखनऊ, आगरा, इटावा। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी मेरे प्यारे साथियों ये भोपाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा, यूपी के प्रथम डीजीपी कौन थे? नरेश कुमार, किरण बेदी, प्रशांत सिंह, विजय कुमार। यूपी के प्रथम डीजीपी थे नरेश कुमार, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में नंबर 1 पुलिस कौन सी है? अस्का पुलिस थाना गंजम जिला उड़ीसा, वी है नजीराबाद पुलिस थाना कानपुर उत्तर प्रदेश, सी है जिम पुलिस थाना पश्चिम बंगाल, डी है इनमें से कोई नहीं। भारत में नंबर 1 पुलिस कौन सी है? अस्का पुलिस थाना गंजम जिला उड़ीसा, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। 18वां क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रथम महिला पुलिस कौन थी? सुष्मिता सिंह, सुनीता चौहान, किरण बेदी, इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम महिला पुलिस कौन थी? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत की प्रथम महिला पुलिस थी सुनीता चौहान, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन हमारा, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पब्लिक सर्विस, इंडियन पुलिस सर्वेंट, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। 20वां क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में कुल कितने थाने हैं? 15,008, 16,671, 18,230, 19,000। भारत में कुल कितने थाने हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में कुल 16,671 थाने हैं, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? SP, SI, ASP, SGP। पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, SP करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, भारत के पहले पुलिस कौन थे? CV नरसिम्हन, ज्ञानेंद्र प्रताप, नरेश कुमार, विजय कुमार। भारत के पहले पुलिस कौन? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के पहले पुलिस थे CV नरसिम्हन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? 1526, बी है 1527, सी है 1528, डी है 1529। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? 1526, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को, बी है प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ मंगलवार को, सी है प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को, डी है प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ बुधवार को। उत्तर प्रदेश में थाना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को, तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 25वां क्वेश्चन, पुलिस का असली नाम क्या है? केंद्रीय जनरक्षक, जिला जनरक्षक, राजकीय जनरक्षक, इनमें से कोई नहीं। पुलिस का असली नाम है राजकीय जनरक्षक, ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
सेशन को शेयर कर दीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है? 11 से 12 साल, 12 से 13 साल, 13 से 14 साल, 13 से 14 साल, 14 से 15 साल। पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, पुलिस में प्रमोशन 11 से 12 साल के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 27वां क्वेश्चन, सीवी नरसिम्हन का पूरा नाम क्या था? चक्रवर्ती विपिन नरसिम्हन, वी है चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन, सी है चक्रवर्ती विजय नरसिम्हन, डी है इनमें से कोई नहीं। सीवी नरसिम्हन का पूरा नाम था चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग कौन सा है? न्यूयॉर्क अमेरिका, वी है उत्तर प्रदेश भारत, सी है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, डी एनवे से कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुलिस को कौन कंट्रोल करता है? वित्त मंत्रालय, राज्यसभा, लोकसभा, गृह मंत्रालय। पुलिस को गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियों की आकृति अंकित है? 2, 4, 5 या 6? यूपी पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कुल 2 मछलियों की आकृति जो है वो अंकित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? SI, SI, SP, DSP। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थानों का मुखिया होता है SI। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, DGP का फुल फॉर्म क्या होता है? DGP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन हमारा आया गाइस, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया था? 1 मार्च 1951, 1 मार्च 1952, 1 मार्च 1953, 1 मार्च 1955। राष्ट्रीय पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति पुलिस पदक वर्ष 1 मार्च 1951 को अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, 34वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत का कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? पुलिस अधिनियम 1862 की धारा 1, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 10। भारत का कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1, वी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा।